ई होप्टोडे आई एम हेव विथ इन अदर वीडियो सो दिस वीडियो इज़ फॉर पी एस टी एंड जी एस टी पर्पज़ सो आज मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश बुक वन कवर करवाऊँगी ठीक है क्योंकि मैंने पहले पढ़ी हुई है तो इसमें मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी जो कि मतलब कि ईजी ना हो बिल्कुल ईजी बुक है ये तो फर्स्ट हमारे पास जो तो चैप्टर है वो हमारे पास है लर्निंग क्लासरूम मैनर्स इंट्रोडक्शन ग्रीडिंग्स ठीक है सलाम अदब वगैरह इस तरीक़े का है तो फर्स्ट है अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ इमरान आई एम योर टीचर वालेकुम अस्सलाम माय नेम इज़ बचल आई एम स्टूडेंट वालेकुम अस्सलाम माय नेम इज़ सीरत आई एम स्टूडेंट ठीक है तो ये हमें कंडीशंस बताई हुई हैं कि गुड मॉर्निंग कब होगी गुड आफ्टरनून कब होगी गुड इवनिंग कब होगी गुड नाइट कब होगी और गुड बाय कब होगी तो आपको एग्ज़ाम में पिक्चर्स दे सकते हैं और फिर आपसे पूछ सकते हैं ठीक है ये सूरज आ रहा है ठीक है ये सूरज बीच पर है ये सूरज जा रहा है ये रात हो गई और ये बाय बाय हो रहा है ठीक है तो ये हो गई ग्रीटिंग्स अब हमारे पास सेकंड चैप्टर है अल्फ़ाबेट्स का ठीक है तो अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होते हैं इसमें हमें एग्जाम्पल्स दिए गए ए फॉर एप्पल ए फॉर एंड इसी तरीके से तो इसमें मुझे कुछ भी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं लगती ठीक है क्योंकि सबको तो ऑफकोर्स सबको अल्फ़ाबेट्स आते ही होंगे ठीक है ये सारे आप देख सकते हैं एक्स वाई एंड जेड तो ये होती है स्मॉल अल्फाबेट ये होती है कैपिटल अल्फाबेट बताने की ज़रूरत तो नहीं थी पर मैंने आपको बता दी है ठीक है और उसके बाद हमें इसका साउंड बताना है अगर बुक जो है बी से होता है तो नेक्स्ट एन से होगा लॉक एल से होगा तो इसी तरीके से आपको फिगर्स दे सकते हैं और एंडिंग या स्टार्टिंग साउंड आपसे पूछ सकते हैं ठीक है ये अल्फाबेट्स को आपने मैच करना है ए फॉर एप्पल बी फॉर बटरफ्लाई सी फॉर कैट इसी तरीके से ठीक है उसके बाद यहाँ पर सेम लेटर्स से। हैं ये भी लेटर्स हैं इनमें मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं लगती ठीक है ये एंडिंग साउंड से, से मैंने आपको बोला कि एंडिंग साउंड भी पूछ सकते हैं कैट है, है टी का एंडिंग साउंड है पैन है एन इन का एंडिंग साउंड है तो इसी तरीके से ये है एनिमल्स एंड बर्ड्स ठीक है मंकी जैबरा लायन, ठीक है इसमें से हमसे पूछ सकते हैं कि ग्रैफल जो है किसे बोलते हैं ठीक है और फिर आपको फिगर्स दे सकते हैं डियर की ग्रैफिल की कैमल की पैराड की ठीक है तो आपको टिक करना है तो आप फिगर्स देख सकते हैं इनकी ये लायन वगैरह आपको मैचिंग करनी है ठीक है लॉन ठीक है उसके बाद एलिफेंट एलिफेंट कहाँ पर यह है ठीक है इसी तरीके से ये है हमारे पास फ्रूट्स गावा ठीक है और उसके बाद ये है हमारी वेजिटेबल्स टमाटो पीयर्स और पीस सॉरी पीस पियर तो फ्रूट में आएगा नाशपाती ठीक है और उसके बाद अनियन टमाटो टमाटो फ्रूट में नहीं आता टोमेटो फ्रूट में भी आता है बट तो फिर वो दूसरा होता है ठीक है जैसे गावा होता है पियर होता है इसी तरीके से कैरेट है ब्रिंजल है ब्रिंजल मतलब कि एक आ, क्या बोलते हैं इसको वांगन सिंधी में ठीक है अब यहाँ पर भी फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं ठीक है और ये हमें पार्ट्स ऑफ अ बॉडी पूछा गया है अगर आपको कोई ये वाले पूछे तो ये क्या है ये चिन है नेक है फुट है इसी तरीके से ठीक है तो ये फुट है लेग है इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ बॉडी है ठीक है अब हमारे पास है वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स ठीक है तो वॉवल्स क्या होते हैं यहाँ पर हमें बताया गया है कि रीड द फॉलोइंग लेटर्स एंड सर्कल द रेड लेटर्स तो ये जो ये रेड लेटर्स हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं वॉवल्स बोलते हैं ठीक है जैसे ए ई आई ओ यू तो इसमें वॉवल्स कौन से हुए ए ई आई ओ यू जो है इसमें वॉवल्स हो गए ठीक है अब इसमें वावल कौन सा है ए है इसमें ई है इसमें आई है इसमें ओ है और इसमें यू है ठीक है तो ये क्या हो गए ये वॉवल्स हो गए ठीक है अब हमारे पास है कंसोनेंट्स कंसोनेंट्स कौन से होते हैं ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट वॉवल्स आर कंसोनेंट्स तो जो वॉवल्स हैं उनको काट के बाकी जो भी लेटर्स हैं वो क्या है हमारे पास वॉवल्स हैं ओ वो क्या है कंसोनेंट्स हैं जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी V W X Y है पांच लेटर्स को छोड़कर बाकी जो भी हैं वो वॉवल्स कंसोनेंट्स हैं वॉवल्स टोटल पांच हैं ठीक है अब यहाँ पर I जो है क्या है वॉवल है N और K क्या हो गए कंसोनेंट्स हो गए इसी तरीके से वॉवल्स और कंसोनेंट्स का टॉपिक था एक वो समझ में आ गया हाँ जी वावल के आगे वावल से मतलब कि इस तरी व से पहले जो है हमेशा एन लगता है और वावल से सॉरी कंसोनेंट से पहले हमेशा यूज़ uh, होता है ए यूज़ होता है ठीक है यहाँ पर है वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विद विदल साउंड एन एप्पल एन एग एन इन पॉट एन ऑरेंज एन अम्ब्रेला ठीक है यहाँ पर है वी यूज़ अ लेटर वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद कंसोनेंट साउंड अ बैग अ कैट अ डॉल अ कार बॉल ठीक है इसी तरीके से अब हमने यहाँ पर मैचिंग करनी है ए और एन के साथ कि क्या लगेगा पहले एन एंट लगा अ बस लगेगा ठीक है इसी तरीके से अ बुक लगेगा अ कार लगेगा एन एलिफेंट लगेगा एन इंक पॉट लगेगा एन ऑक्टोपस लगेगा अ पेन एन अम्ब्रेला अ जेबरा इसी तरीके से अब यहाँ पर दिस और दैट का कॉन्सेप्ट है दिस इज़ अ पेन दैट इज अ पेन दिस इज एन ऑरेंज दैट इज एन ऑरेंज ठीक है एरो छोटा एरो बड़ा इसी तरीके से ठीक है दिस और दैट का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर है दीज आर दोज आर ठीक है दिस दैट पर एक एक चीज़ के लिए यूज़ हो रहा था दीज दोस ठीक है दो दो से ज़्यादा हो ठीक है यहाँ पर है लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल द वर्ड्स राइट दीज एंड दोज द फर्स्ट वर्ड इज़ डन फॉर यू दीज आर कैट्स दीज आर कैरेट्स दे आर पैरट्स और दीज दो नहीं दोज तो नहीं लगेगा ठीक है ये पिल्यूलर है दीज आर पैरट्स और दोज आर पैरट्स ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक की बात हुई हुई है और यहाँ पर हमें दो या दो से ज़्यादा ठीक है तो इसमें क्या होगा दोज लगेगा या दीज लगेगा तो आई थिंक मुझे तो लगता है इसमें दोज ही लगेगा ठीक है क्योंकि ये पिड्यूटर है और दीज देखें आप दीज दीज मोस्टली यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है आप देख सकते हैं ठीक है और इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें और तो कोई चीज़ नहीं है ये नंबर्स हैं ये एट टू थ्री फोर फाइव ठीक है इसी तरीके से सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है ये वन है तो ये कौन सा है फाइव है ये एट है तो ये कौन सा है टेन है इसी तरीके से ये टू ये थ्री वन टू थ्री फोर फाइव है वन है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है ठीक है इसी तरीके से हमने लेटर्स यहाँ पर लिखने हैं यहाँ पर भी नंबर्स हैं ये साउंड एस जैसे कि हम बोलते हैं साउंड एस फिश ब्रश शेप शीप इसी तरीके से यहाँ पर हमने फिल करने शीप फिश ब्रश और इसके में क्या लगेगा शूज एंड इसमें इसमें क्या लगेगा यहाँ पर वही है फिगर हाँ शिप है ठीक है तो इसी तरीके से एस का ये साउंड था ठीक है अब हम आगे बैठते हैं ये सी एच का पर साउंड है सी एच चेयर टॉर्च वॉच बेंच चिन ठीक है तो इसी तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट है ठीक है टॉर्च ठीक है इसमें कौन सा दिया हुआ है हमें यहाँ पर हमें दिया हुआ है टॉर्च यहाँ पर हमें दिया हुआ है चिन यहाँ पर हमें दिया हुआ है बेंच और यहाँ पर हमें दिया हुआ है चेयर तो सी एच का साउंड ये था शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल ओ ओके सो ओ ओ, ओ, so, ओ, ओ साउंड है बुक कुक मॉस नून ठीक है तो इसी तरीके से ये वाला था हाँ अब कलर्स का हमें आ सकता है कि कलर्स ये तो कलर्स हैं ठीक है ये पोएम है शायद रीड द पोएम एंड लर्न इट बाय हार्ट ठीक है तो ये लाइट्स हैं तो हम पूछ सकते हैं कि ग्रीन लाइट किसके लिए होती है रेड लाइट किसकी होती है ट्रैफिक रूल्स वगैरह में आ सकता है रेड लाइट रेड लाइट वॉट डू यू से आई स्टॉप स्टॉप राइट अवे येलो लाइट येलो लाइट वॉट डू यू से आई से वेट टिल द लाइट टर्नस ग्रीन ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट वाट डू यू से आई से गो एंड गो राइट अवे थैंक यू थैंक यू रेड येलो ग्रीन नाउ आई नो वट ट्रैफिक लाइट्स मीन ट्रैफिक लाइट्स क्या मतलब होता है रेड मतलब स्टॉप येलो मतलब वेट टिल द ग्रीन लाइट टर्न ऑन ठीक है तो ग्रीन लाइट गो राइट वे ठीक है तो ये ट्रैफिक रेल्स हो गए अब इसमें से कोई आ गया तो आप कर सकते हैं आराम से ये ट्रैफिक साइंस का आ सकता है मुझे लगता है क्योंकि देखे ट्रैफिक साइन हम देख सकते हैं ठीक है और फिर उसको आपके पूछ सकते हैं ये है ड्राइव स्लो ये डस्टबिन है ये ब्रिज क्रॉसिंग है ये नो नो हॉर्न नो हॉर्न है जो गाड़ी का हॉर्न बजता है वो वाला हॉस्पिटल यू टर्न ये मोस्टली लगा हुआ होता है ना रोड्स पर तो हम uh, समझ जाते हैं कि यू यू टर्न बोल रहे हैं नो पार्किंग पार्किंग और क्रॉसिंग ठीक है अब यूनिट नंबर सिक्सटीन पॉइंट वन है एक्शन वर्ड्स रीड रीड इन एक्शन एक्शन किसको डिस्क्राइब करता है वर्ब वर्ब डिफाइन एन एक्शन डिस्क्राइब एन एक्शन रीड प्ले राइट थिंक ईट वॉक स्टैंड सिट लव रीड पढ़ना खेलना लिखना सोचना खाना चलना उठना बैठना और हंसना ना जिसमें आ रहा है ना वो एक्शन वर्ड्स होते हैं ठीक है इसमें मतलब कि मेरा मतलब मैं इसी तरीके से करती हूँ ठीक है जब आता तो है ठीक है अब कॉन्सेप्शुअल है बट हम बचपन में छोटे होते थे तो हम इसी तरीके से करते थे ओके नाउ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ठीक है, है, थो थो, तो है। okay, now, डिस्क्राइब क्या बढ़ता है अ रेड रोज अ फैट मैन अ थिन गर्ल अ स्मॉल रेड ठीक है ये क्या करें बंदे को रिपीट कर सॉरी बंदे को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर रिपीट एंड रीड एंड रिपीट द फॉलोइंग तो ये वाले कौन से हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं ठीक है रोज़ तो है लेकिन रेड कलर का है मैन तो है लेकिन फैट है तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं ठीक है ये है हमारे पास प्रोफेशंस ठीक है प्रोफेशंस में हैं फार्मर कारपेंटर डॉक्टर टीचर ड्राइवर नर्स ठीक है फार्मर का, का काम क्या होता है जो फील्ड में काम करे या फार्म में काम करे कारपेंटर जो कि थिंग्स बनाए वुड से लाइक टेबल डोर एक्सेट्रा डॉक्टर का काम क्या होता है अ पर्सन हु टीच सिक पीपल तो यहाँ पर मैचिंग करनी है टीचर की टीचर ये है डॉक्टर की डॉक्टर ये है कारपेंटर की कारपेंटर ये है ड्राइवर नर्स ठीक है उसके बाद है फार्मर फार्मर ऊपर वाला सेकंड पिक्चर अब हमारे पास है कैपिटल लेटर्स यूज द कैपिटल लेटर्स इन द बिगनिंग जैसे सारा का एस अज़ीज़ का ए अली का ए मारिया का एम नदीम का एन ठीक है तो इसमें हमें कैपिटल लेटर्स बनाने हैं अब हमारे पास है पोएम वन टू बकल माइशू थ्री फोर शट द डोर फाइव सिक्स काउंट द चिक्स सेवन एट ओपन द गेट नाइन टेन बिग फेट ये क्या हो सकते हैं ये हमारे पास आ सकते हैं कि फाइव और सिक्स का क्या फाइव और सिक्स का uh, क्या का का का, है काउंट द चिक्स है ठीक है इसी तरीके से ये है हमारे पास अहमद एंड इस फ्रेंड्स ठीक है तो हम ऐसे आ सकता है आपका कि आपको पैसेज दे दें दे और फिर ऑप्शंस एम दे दें दे क्या इसमें क्या होगा जैसे इसमें है रफीक लिव्स एट ठीक है हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमें आंसर्स भी आएंगे ठीक है तो पढ़ते हैं गाना तो तीन लाइन का ही पैसेज है माय नेम इज़ अहमद आई लिव एट एम ए जिना रोड माय फ्रेंड रफीक लिव्स एट रानी स्ट्रीट आर सिटी इज़ कराची इट इज़ बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान माई फ्रेंड एंड आई प्ले क्रिकेट ऑन सैटरडे वी गो हिल पार्क ऑन संडे ठीक है यहाँ पर संडे को हम कहाँ जाते हैं हिल पार्क जाते हैं ठीक है सैटरडे को हम कहाँ जाते हैं ऑन सैटरडे हम क्रिकेट खेलने जाते हैं कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान ठीक है लेकिन कैपिटल इस्लामाबाद है ठीक है दे लिव इलेवन ये कहाँ पर रहते हैं और सिटी इज़ कराची तो मतलब ये कराची में रहते हैं दे लिव इन कराची अहमद लिव्स एट अहमद कहाँ पर ले अहमद लिखता है रहता कहाँ पर है एम ए जिना रोड पर रहता है और रफ़ीक कहाँ पर रहता है रानी स्ट्रीट में रहता है तो ये था ये सिंगुलर और पिलुलर है कप कप्स कैट कैट्स इसी तरीके से ये फिश है ठीक है ये है हमारे पास शेप्स हैं ठीक है शेप, शेप सर्कल का गोल अवल का एग टाइप ठीक है ट्राइंगल का थ्री साइड्स और स्क्वायर का फोर साइड्स तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है मैचिंग करने के लिए बॉल का राउंड होता है ठीक है अवल का एग टाइप होता है ट्राइंगल का आइसक्रीम और इस क्यूब का मतलब चक्के का इस रेड वाले के साथ या तब स्क्वायर के साथ आर कंट्री ये समझे आपका पैसेज है ठीक है और यहाँ पर है माई कंट्री इज़ माई कंट्री इज़ पाकिस्तान इट हैज़ मैनी देश इसमें क्या है इसमें फील्ड्स हैं यहाँ पर मैं पढ़ी इट हैज़ मनी फील्ड्स ठीक है इट इज़ अ वेरी देश कंट्री ये क्या कंट्री है ब्यूटिफुल कंट्री है ठीक है उसके बाद आई एम अ देश मैं पाकिस्तानी ही हूँ ठीक है तो इसमें हमने येस और नो का बताना है माई कंट्री इज़ पाकिस्तान येस पाकिस्तान इज़ फ्यू फील्ड्स नो पाकिस्तान इज़ मैनी फील्ड्स तो इसी तरीके से पाकिस्तान इज़ ग्रीन येस वी लव आर कंट्री वेरी मच येस ठीक है तो ये हो गया कंप्लीट समर का आ सकता है समर कौन सा सीज़न है हॉट सीज़न है ऑटम फॉल मतलब कि जो पत्ते गिरते हैं पहले येलो हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं ठीक है विंटर गर्मस गर्म, गर्म सीज़न और स्प्रिंग जिसमें बहुत मज़ा होता है और पौधे वगैरह उगते हैं ठीक है बहुत मज़ा आता है स्प्रिंग में डेज एंड वीक्स ठीक है मंडे ट्यूजडे मंडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे

बाकी तो मुझे कोई चीज मतलब कि पूरा को, uh, पूरा इंग्लिश कंप्लीट हो गया वन का सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इफ यू लाइक देंट प्लीज़ इट द लाइक बटन शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल थैंक यू लाफिस